देखिए, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे फ्लाईओवर्स वाला है, इसमें हमारी सतवारी और नई बस्ती की कुल मिला के 65 दुकानें आ रही हैं। ये दुकानें कोई एंक्रोचर नहीं है, ये सारी दुकानें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा अलाट की गई हैं। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ने यहाँ पे ये सतवारी स्कूल की ग्राउंड है, जो यहाँ भी इन्होंने 8 मीटर अंदर गए हैं, जबकि बाकायदा उसकी पेमेंट की है 3,18,00,000 रुपये। हमारी ये डिमांड है कि अगर ये दुकानें किसी प्रकार से नहीं बच पा रही या प्रोजेक्ट के आड़े आ रही हैं, तो इनको भी सामने रिहैबिलिटेट कर दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, ये कहीं कहीं के नहीं रहेंगे। मेरी आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब और जितने भी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे एक अपील है कि इन दुकानदारों को रिहैबिलिटेट जल्द से जल्द करके, ताकि ये भी अपने घर में सुकून की सांस ले सकें। जैसा भी दुकानदार है, इतने अमीर तो है कोई नहीं है, इनकी रोजी रोटी यहीं से चलती है, ठीक नहीं। अब हाईवे वाले आए, नेशनल हाईवे वाले, उन्होंने इधर सर्वे किया, उन्होंने निशान लगाए, उसके बाद हम थोड़े सब निकले बाहर। हमारे कल एमपी साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, ठीक है हम आपके बारे अगर उठाना ही है हमें, पहले कहाँ रिहैबिलिटेट करो, ठीक नहीं। ऐसे कैसे उठा सकते हैं हमें, हम इलीगल तो है नहीं, हम लीगल हैं बैठे हुए, और हमारी अलाटमेंट है, सब कुछ है, हमारे कागज हैं, हमारे किराया देते हैं, सब कुछ देते हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, एक दुकान पे कम से कम 3-3 फैमिलियाँ जो है पाल रही हैं, फिर भी जो हमें ऐसे कैसे उठाएंगे पैसे, पहले हमें बैठाने का कोई साधन दें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।